एक और नया दिन और एक और अपनी नई राइड। तो नई राइड अभी शुरू करने जा रहा हूँ मैं। अपनी हिमालयन थोड़ी वार्म अप हो रही है, पूरी लोडेड है। एक बार चेकआउट कीजिए हिमालयन को, हाउ इज़ द बॉडी इज़ लुकिंग। एक साइड का ये केन का ये टूट गया है, तो ये फिक्स नहीं कर पाया। बाकी इस बार लाइट फिक्स है। लगेज एक बार चेक कर लेते हैं। स्लीपिंग बैग, मैट, ये कैमरा स्टैंड, चप्पल, दो चेयर है फोल्डेबल, बैग है, ये है, लॉक है, या एवरीथिंग इज फिक्स्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे और एक नई वीडियो में। एक नया सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ मैं, तो ये रहेगा नागालैंड का सीरीज़। तो बहुत ही अच्छा वैली है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, एडवेंचरस ट्रैक है। जो एडवेंचर इंथुसियास्ट है, जो ट्रैकिंग करते हैं, उनको मालूम ही होगा ज़ुको वैली ट्रैक के बारे में। तो मैं ऑलरेडी एक बार जा चुका हूँ, तो ये मेरा सेकेंड टाइम रहेगा थ्रू बाइक। पहले ऐसे ही हम गए थे बैकपैकर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था ज़ुको वैली का। तो अभी हम पूरा एकदम प्रिपेयर होके बाइक वाइक लेके जा रहे हैं। दैट वॉज़ माई लास्ट ईयर ट्रिप। तो वो दिसंबर में था, हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम में गए थे, और अभी तो अक्टूबर के टाइम में जा रहे हैं। और अक्टूबर में यूजुअली बारिश नहीं होता है, बट इस महीने बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है कंटिन्यू। तो हमें लगता है ज़ुको में भी बारिश मिलेगा और रेनकोट के सहारे ऊपर जाना होगा, रेनकोट। बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। और ज़ुको वैली बहुत काफ़ी खूबसूरत है, सबको मालूम ही है। जो पहाड़ है, वैली है, उसका एक्सपीरियंस लोग लेने जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर जा चुके हैं। और ये फर्स्ट टाइम रहेगा कि हम अपने बाइक के राइड में जा रहे हैं, बाइक ट्रिप कर रहे हैं फ्रॉम गुवाहाटी टिल कोहिमा। फिर कोहिमा से आपको थोड़ा सा और जाना होगा विस्वामा तक। विस्वामा से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग पॉइंट है, प्रॉपर बना हुआ है। बस यही है। और बाइक पूरी हमने लोड कर ली है, पूरी लोडेड है। टेंट वेंट सारे लोड करे हुए हैं, टेंट है, मैट्रेस है, मतलब मैट बोलते योगा मैट, फिर टेबल वेबल है भाई, सब ले लिया हमने। चाय पानी बनाने का सारा सामान है, इस बार ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। और उसको और नौगांव से कज़न ज्वाइन कर रहा है, तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम तेजपुर, तो वो तेजपुर से आ रहा है, मैं गुवाहाटी से निकल रहा हूँ। तो हम दोनों मिलेंगे नौगांव, तो हम लोग वही दोबोका होके वहाँ से निकल जाएंगे दीमापुर, डिपू होके निकल जाएंगे दीमापुर, ये सब। तो दीमापुर से फिर कोहिमा। तो ये आज का टारगेट वही है कि कोहिमा पहुँचना है किसी तरह। हो सकता है अंधेरा हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लेट से हमने स्टार्ट किया है, तो मैं 9:30 बजे निकला हूँ, 6 बजे का हमारा प्लान था, बट वही रात को लेट हो गया, फिर उठने में फिर दिक्कत। तो ऐसे वही वाला सीन है, प्लान करते हैं 6, निकलते हैं 9:30, वो वही वाला यूजुअल दिक्कत। अरे देखो यहाँ पर एक ट्रैफिक पॉइंट है, यहाँ पर बड़ा जाम लगता है। तो हाथ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों यार। आगे जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। पहले तो सबसे पहला काम है पेट्रोल भराना है, फुल टैंक करना है। फुल टैंक करने के बाद ही देखा जाएगा क्या होगा। देखा जाएगा, फुल टैंक करा के निकलेंगे हवा के साथ माफिक, हवा के माफिक निकलेंगे नौगांव तक। अनिनी का याद आ गया यार, अनिनी भी ऐसे ही निकले थे, बारिश आ गया था। तो अनिनी जब शुरू किए थे तेजपुर से तो बारिश नहीं था, बट वो आधे रास्ते में विश्वनाथ पहुँचते पहुँचते बारिश आ गया था, बहुत अच्छा खासा ज़ोर से। अभी वाला बारिश हल्का फुल्का बारिश है, बस यहाँ से निकल जाए। ये अभी खाना पड़ा पहुँच गए हैं, तो ये खाना पड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा जाम लगता है, क्योंकि यहाँ पर बसेस लगे रहे। मेघालय बॉर्डर वाला पेट्रोल पंप है जिसमें थोड़ा सा सस्ता रहता है। यहाँ पर देखिए 94 है भाई, 94.28 है, और सिटी में 97 है भाई, 3 रुपये का अंतर है भाई सिटी में और यहाँ पर। देखो ये मेघालय बॉर्डर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सस्ता होता है। थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा मैं, 94.28 डेंसिटी, 768.8 है, सही है। A few moments later. हाँ जी, वही जी, हम पहुँच चुके हैं नौगांव बाईपास। तो इधर से अगर सीधे जाएंगे तो गुवाहाटी आएगा, इस साइड जाएंगे तो तेजपुर वाला बाईपास आएगा, काजीरंगा, जोरहाट जा सकते हैं, तिनसुकिया जा सकते हैं। और हमें जाना है इधर, ये लंका वाला रोड है, लंका, होजाई, दीपू, सब यहीं से जाएगा। तो हमें यहीं से सीधे जाना है अभी। तो हमारे भाई जी पहुंच चुके थे, 1 घंटा पहले से वेट कर रहे हैं, तो तेजपुर से आए हैं, बहुत जल्दी ये पहुँच गए थे।
हमारा एज़ यूजुअल बहुत लेट हुआ, और रास्ता में मामा जी भी बैठे हुए थे, तो हमें लग रहा है कि हमारा चालान कट जाएगा स्पीडिंग का। हाईवे में 80 तो चलता ही है, तो 80 के स्पीड से ही जा रहे थे, बट हम पहली बार देखें कि वो हाईवे में कोई बैठा हुआ है मामा कैमरा लेके, तो हमको लग रहा है 2000 रुपये का चूना लगेगा। चलो कोई नहीं, अभी तो हो चुका जो होना था, बस भगवान मनाए ना कटे। तो अभी हम कॉफ़ी पीने का थोड़ा जगह ढूंढ रहे हैं, ताकि थोड़ा सा एक दो काम निपटा ले ऑफिस का। अभी क्या करें, ऑफ ऐसा काम है सेल्स का, संडे मंडे कुछ नहीं होता अपना काम में। देखो यहाँ से लमडिंग है 95 किलोमीटर, जो डीमापुर वाला था वो बोर्ड ही कट गया है। तो डीमापुर के बगल में क्या है, 360, ये है सिलचर। अच्छा सिलचर तो नहीं जाना है दादा। हाय, मेरा नाम दिनेश है, और हम जुको वैली राइड करने का प्लान कर रहे थे। फाइनली आज टाइम मिल गया जाने के लिए। हम सुबह, मैं तो 3 बजे उठ गया था, भैया के लिए रुका हुआ था, भैया लेट कर दिया आते हुए आने के लिए। मैं 1 घंटा से आके रुका हूँ नोगांव में रुका हुआ था। सो अभी मैं हूँ दुबोका में, करीब 2.5 घंटा राइड करने के बाद नोगांव बाईपास क्रॉस करके दुबोका पहुँचे हैं। तो 150 किलोमीटर अप्रॉक्स चला चुके हैं, एंड ये भाई की बाइक है एंड अपनी बाइक वहाँ पर है। तो राइड क्वालिटी बढ़िया थी, रोड्स काफ़ी मस्त ऑसम है। यहाँ से कोहिमा करीब करीब 200 किलोमीटर है, तो शाम हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप पर लेंगे हम डीमापुर, तो यहाँ से डिबू क्रॉस करके डीमापुर पहुँचेंगे 120 किलोमीटर में। और बाइक्स मस्त लग रही है, बाइक एक बार आपको रोटेट करके दिखाते हैं। तो देखो भाई, भाई ने भी टॉप बॉक्स लगाया हुआ है और अपना भी टॉप बॉक्स है, साइड में राइनॉक्स का सैडल बैग है और अपना भी राइनॉक्स का सैडल बैग है, और टेंट वेंट कैंपिंग का सारा सामान हमने लिया हुआ है, तो मस्त कैंपिंग कराया जाएगा। और मैटर्स वैटर्स सब है, टी कॉफ़ी सब बनाएंगे रास्ते में, तो मज़े करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मस्त नज़ारे दिखाते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट पहुंच चुके हैं जहां से डिफू के लिए लेफ्ट कट रहा है, सीधे हो जाए पहुंच जाएंगे, और अपने राइट में है दुबोका सिटी घुसने का रास्ता। तो हमें डिफू जाना इस तरफ, दुबोका हो जाएगा डिफू हो जाएगा डिफू 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 डिफू। तो मैंने भाई को बोला कि चल डिफू होके चलते हैं, भाई मेरे को डिफू होके जाना है। चेन तो मेरे में भी, चेन का आवाज़ आ रहा है यार, चेन में ऑयलिंग कराना होगा। तो डिफू होके भी जा सकते हैं, दुबोका होके भी, मतलब हो जाए टाउन होके भी जा सकते हैं। तो लेट्स गो विथ डिफू, चेन से बहुत आवाज़ आ रहा है, ऑयलिंग कराना होगा चेन पे। सर्विसिंग तो कराया था बट ऑयल यार, ये तो बारिश वारिश में बहुत ज़्यादा डर्ट चिपक जाता है ना, दिक्कत हुआ है। क्या मौसम है, और देखो पहाड़, देखो सुंदर सा पहाड़ नज़ारे। सर गुवाहाटी से जब आ रहा था भाई, क्या मतलब मस्त पहाड़ का व्यू था यार, मतलब पहाड़ के ऊपर फॉग और ये अपनी राइड मस्त रोड पे। यार ऐसे मौसम में मज़ा आता है राइड करने में, सही बता रहे हैं। गर्मी नहीं है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रेनकोट पहने हुए हैं, आराम से जा रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में करीब 2-3 साल पहले आया था, यहाँ पर बेलू घाट वाटरफॉल है, कार्बी अलोंग में ही पड़ता है वो, और बड़ी मस्त वाटरफॉल है। तो ये फॉरेस्ट देखते मेरे को याद आ गया भाई, ये सुंदर सा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, क्या मस्त नज़ारा है। वाओ, चेन में बहुत आवाज़ आ रही थी। तो ये अभी दोकमुका बोल के जगह है, कार्बी अलोंग में पड़ता है ये, कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा सा चेन का लूप करेंगे, चेन पूरा ड्राई हो गया है, दिख रहा है कि नहीं है, चेन से पूरा आवाज़ आ रहा है। तो चेन पूरा लूप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्राइबल एरिया यार ये भाई भी अपना लूप कर रहे हैं, बस मस्त वही लूप, मतलब मोबिल डाल रहे हैं यार, वो महंगा वाला ऑयल तो नहीं लगा सकते, फिर आपको मिलेगा नहीं अभी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसा प्लान करते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। तो शाम के 4 बज चुके हैं और अभी भी हम डीमापुर पहुँचे नहीं हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं,
ऑफिस का कॉल आते रहता है, क्या कर सकते हैं अभी, ऑफिशियली ऑफ है बट कॉल आते रहते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब है तो ना तो बोल नहीं सकते किसी को, तो फ़ोन उठा रहे हैं बीच बीच में ऐसे कर करके। 4 बज गए यहीं पे अभी, यहाँ से ये डेलाई बोल के जगह है, जगह तो अच्छी है बट रोड्स अभी बन रही है तो बीच बीच में पैचेस ख़राब हैं, बीच बीच में अच्छा है पैच है, मतलब बन रहा है, जैसे कि ये पैच ख़राब है ये बन रहा है, तो ऐसे करके डाइवर्जन है तो रुक रहे हैं, धीरे धीरे चला रहे हैं। तो अभी यहाँ से दिल्ली से करीब 19 किलोमीटर डीमापुर का है, तो और 40 मिनट जैसा लगेगा, 40-50 मिनट डीमापुर में लगेगा, यानी 5 बजे तक डीमापुर पहुँचेंगे और वहाँ से और 2-3 घंटा लगेगा कोहिमा, मतलब करीब 9 बजे तक पहुँच जाएंगे कोहिमा 9 बजे। और दिक्कत यह है रात को 9 बजे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोहिमा बंद हो जाता है बहुत जल्दी। एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले कंपनी के काम के सिलसिले में कोहिमा आना जाना था, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ कि संडे के दिन में बंद रहता है ऑलमोस्ट, शटर डाउन, सारे दुकानें बंद, और शाम को 6 बजे के बाद सारे दुकान बंद हो जाते हैं सारे। ये दिक्कत है यार कोहिमा में, डीमापुर में नहीं, डीमापुर तो चलता है यार। तो ये अपडेट है फ़िलहाल तक का, भूख बहुत दूर से लगी है, सुबह 2 रोटी खा के निकले थे एंड दोपहर में कॉफ़ी और थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया था वो जो दुकान था। अभी 4 बज गए तो थोड़ा भूख तो लग रही है, तो कहीं पे रुक के या फिर डीमापुर में ही रुकते हैं और वहीं पे कुछ खा लेंगे। वैसे रोटी है मेरे पास, मैंने इनको उसको बोला भाई को कि भाई रुकते हैं कहीं पे, रोटी कॉफ़ी मार लेते हैं, कॉफ़ी पियेंगे तो एनर्जी भी आएगा मस्त, एकदम सुस्ती भाग जाएगा और दबा के उड़ा सकते हैं। बट ये देखो ऐसे रास्ते में दबा नहीं सकते, आराम से चलाना पड़ेगा। तो ये पूरा 4 लेन बन रहा है, आपका कार्बी अलोंग तो सही था, कार्बी अलोंग से ही थोड़ा पैच ख़राब होना शुरू हो गया, हो जाए तक ठीक था, हो जाए तक पूरा रास्ता मक्खन है। उसके बाद से फिर जैसे हमने डीफू वाला मतलब जो रास्ता लिया, डीफू वाला रास्ता थोड़ा सा पैचेस ख़राब है, वहाँ से ख़राब ही मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसा सही है, कहीं कहीं टूटा भंगा रास्ता है वैसा है। तो भैया जी जो 4 लेन है हमने उसको छोड़ दिया है, तो अभी ये बाईपास लेके हम डीमापुर वाले रास्ते में जा रहे हैं। अगर हम 4 लेन सीधे जाते हैं तो कोहिमा वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, बट हम सोच रहे हैं कि डीमापुर होके जाएं, बढ़िया होगा, पेट्रोल भी रिज़र्व में आ गया है, बेटर है हम डीमापुर पहुँचें और पेट्रोल भराएं, वहाँ पे कुछ खाना पीना करें और उसके बाद आराम से निकले कोहिमा के लिए। कोहिमा ज़्यादा दूर नहीं है, 75 किलोमीटर ही है डीमापुर से, बहुत क्लोज है। और डीमापुर वैसे प्लेन ही आप बोल सकते हैं, प्लेन में है डीमापुर, कोहिमा थोड़ा सा अप में है, पहाड़ में है बस, बट व्यूज़ मज़ेदार आते हैं कोहिमा से। तो भाई कहीं पे अब भाई बस गए, ये पेट्रोल पंप एकदम मैन मौके में मिल गया डीमापुर घुसने से पहले ही, बिकॉज डीफू वाला जो रास्ता हमने लिया ना, एक भी पेट्रोल पंप रास्ते में नहीं मिला हमें। और यहाँ है 97, एक ही है सिर्फ, गुवाहाटी सिटी वाला रेट है भाई। शाम हो गई है, 5 बजे है और अभी जाके हम डीमापुर पहुँचे, पता नहीं अब रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। कोई बात कुछ खाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा कुछ, सच्ची बोलो। तो मैं अभी उस जगह में हूँ जहाँ पर डीमापुर स्टेशन है, मेरे फ्लाईओवर के जस्ट राइट साइड में डीमापुर स्टेशन है और उसके बगल में ये फ्लाईओवर से हम नीचे जा रहे हैं, ये सीधे ही कोहिमा निकल जाएगा जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, मेरे पिछले से पिछले कंपनी की काम यहाँ पर चलती थी तो यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, वो ये 2-1.5 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, ये तो है सिटी में ट्रैफिक ऑब्वियसली सब जगह होता है यार, अपनी गुवाहाटी में भी ऐसे जीएस रोड जाएंगे इस समय में, जीएस रोड में आदमी फंस जाएगा गाड़ी पे तो, और सेम हालत यहाँ पर भी है, बहुत गंदा ट्रैफिक है यहाँ पर, तो पूरा आगे तक है, आगे रोक के रखा होगा। यहाँ पर ही खाने पीने का भी मिल जाएगा, बाइक गर्म हो गई है पूरी, 37 डिग्री दिखा रही है, बड़ी थोड़ा देर और कोप अप कर ले, कोहिमा घुसेंगे तो वहाँ पर कूल हो जाएगा तू। कोहिमा का टेम्परेचर सही है, सूदिंग टेम्परेचर है, लाइक मेघालय शिलोंग जैसा टेम्परेचर है यार। यहाँ पर कुछ खाने पीने का देखता है, यहाँ पर होना चाहिए। सो फाइनली डीमापुर पहुँच गए, तो डीमापुर में ट्रैफिक से निकलते पहुँचते खाने की जगह ढूंढते ढूंढते फाइनली लैंडेड इन कॉमोडोस। तो हम यहाँ पर कॉमोडोस एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया और एक लगे। A few moments later. भाई
रास्ता टूटा हुआ है भाई, रास्ता पूरा टूट गया है, तो सिर्फ एक वन बाय वन को ही छोड़ रहे हैं, मतलब एक तरफ से आ रहा है फिर एक तरफ से रोक रहे हैं फिर एक तरफ से जा रहे हैं। अभी यहाँ रास्ता चाहिए तो हमने क्या किया ना, मिनिस्टर के आगे कोई मिनिस्टर या फिर वीआईपी जा रहा है उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, तो हमें कोई रोक नहीं रहा है। वो आगे मिनिस्टर है, मिनिस्टर या कोई वीआईपी है उसके आगे, मतलब स्कॉट जा रही है तो स्कॉट के पीछे पीछे हम लोग हैं। मस्त देखो पूरा रास्ता ख़राब हो रखा है, लैंडस्लाइड हुआ था शायद, लैंडस्लाइड की वजह से शायद, नहीं दिख रहा यार। रात का राइड में यही दिक्कत है, दिन में राइड करना था यार। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में, बहुत जद्दोजहद के बाद ये होम स्टे मिला, मतलब लगा नहीं था कि यहाँ पर रात को आपको होम स्टे ढूंढना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर लोग मुश्किल से यहाँ पर दिख रहे थे रास्ते में। तो किसी तरह यहाँ पर 11 बजे हम जखामा पहुँच गए थे। जखामा पहुँचने के बाद सबसे पहला काम सर्च किया मैंने गूगल पे नियर बाय होम स्टे, तो 2-3 होम स्टे देखा, कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर ये एक होम स्टे था बगल में, उसको फ़ोन मिलाया तो वो लेडी ने पिकअप किया, बट वो बोल रही थी कि उसने वो होम स्टे क्लोज़ कर दिया है, बट उसने दूसरे होम स्टे को फ़ोन मिला दिया बगल में जो था। फाइनली वो लेडी ने बहुत हेल्प किया एंड थैंक्स अ लॉट, मैंने लेडी का नाम नहीं पूछा सॉरी, बट उन्होंने हेल्प किया और इस होम स्टे का जो ओनर थे जो भी केयरटेकर थे उनसे बात करवा दिया और हम फाइनली चेक इन कर गए, मतलब एट द एंड चेक इन हो गया, यही बोलना चाहता हूँ मैं। एंड बहुत सुकून मिला कि दिन भर राइड करने के बाद अब आराम से सो पाएंगे। फिलहाल राइडिंग एक्सपीरियंस में बताता हूँ, एकदम घटिया रहा भाई, रास्ता इतना ख़राब था मत पूछो भाई। दो बार बचा गिरते गिरते, एक बार गिर गया भाई। कोहिमा से जो रास्ता मिला ना, पूछो ही मत, ऐसा एक्सपीरियंस मैं पहली बार कर रहा हूँ। डिमापुर से लेके आपका कोहिमा तक हमें लग रहा था कि वो सबसे गंदा रास्ता है, वर्स्ट, पॉट होल्स, गंदा, ऐसा नहीं है, वो तब भी सही था ऑफ रोडिंग के हिसाब से, हिमालयन के लिए बढ़िया। बट जो रास्ता हमें मिला कोहिमा से लेके जखामा तक, वर्स्ट भाई, गिरते गिरते बचे हैं, एकदम कीचड़ वाला रास्ता, जूता का हालत, जूता देखिए क्या हालत हो गया है, पूरा गंदा। रेनकोट पहना था बल्कि ये पैंट बचा हुआ था, पूरा बर्बाद हो चुका है, मतलब कीचड़ से। बाइक में कल सुबह आपको दिखाऊंगा बाइक की क्या हालत है। बाकी ये होमस्टे अथू होमस्टे बोल के है, जखामा में मारेंगे तो आपको दिख जाएगा, 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 1200 रुपये इस रूम का चार्ज कर रहे हैं इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, तो सुबह ब्रेकफास्ट हमें मिल जाएगा, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो बढ़िया लग रहा है, रूम्स बहुत बढ़िया यार, देखने में बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहे हैं। तो कुछ लगेज हमने नीचे रिसेप्शन में रख दिया है और कुछ कल जो भी यूजेबल है लेके जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, बाकी सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे, बात कर लेंगे।